नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सारे। मैं आरसी चौधरी स्वागत करता हूं सभी का नमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। सभी का आपके हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे से अपने घर पे अपने अपने घर पे सेफ होंगे। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्लास के लिए पहले तक अपने 1.4 एक्सरसाइज तक कम्प्लीट हो चुकी थी और आज अपन कर रहे हैं 1.5 एक्सरसाइज से। ठीक है, 1.4 तक पहले से कंप्लीट हो चुकी थी और आज आपके कंटिन्यूस निकाल से चल रहे हैं अपन 1.5 एक्सरसाइज से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ अपन ज्यादा देरी नहीं करते हुए एक बार आप वीडियो को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जो आपके नए बच्चे देख रहे हैं तो वो वीडियो को शेयर करते हैं, और जिस भी बच्चे को आपके अगर बुक की PDF चाहिए तो वो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले भाई। ठीक है, तो मेरे आपको नंबर बताए हैं मेरे, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है इन नंबर पे आप क्या करें, अपना नाम और अपनी क्लास लिख के मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, तो मैं आपको क्या करूंगा इसके जो आपके बुक की जो PDF है या चैप्टर वाइज जो भी आपके PDF है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, पुरानी बुक्स नहीं चलेगी भाई। इस बार आपके क्या हो रहा है, सिलेबस आपके चेंज हो रहे हैं, तो उसमें आपके जो न्यू सिलेबस है आपके वो NCERT जो सिलेबस है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट क्या दे रखा है, 1.5 एक्सरसाइज अपनी 1.5 चल रही है। 1.4 तक मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया है, तो वो आप क्या करें एक बार वो वीडियोस आप जाके अच्छे से उनको देख ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 1.5 दे रखा है आपके कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो आपके रेशनल है या फिर इरेशनल है, आप मुझे बताना। फर्स्ट इसका पार्ट आपको क्या दे रखा है, 2 - √5। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से √5 को मैं गायब कर सकता हूँ क्या, √5 को मैं हटा सकता हूँ क्या, यहाँ से जो √5 है इसको मैं अंडर फाइवमेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब आपके जो √5 है इसको मैं आपके हटा नहीं सकता। अगर मान लो यहाँ ऐसे होता कि +√5, देन आपके ये क्या होता है, इससे ये कट जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देन आपकी क्या हुआ कि 2 में से मैं √5 की जो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ √5 अगर मैं इसमें से आपके सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आपके जो भी आएगा वो क्या है ना, रेशनल आएगा क्या, नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ जो √5 है, अगर मान लो इसकी जगह आपके √4 होता तो √4 का आपके क्या होता है, 2 होता है। √4 आपके कितना होता है, 2 होता है। √9 आता तो उस इटमीन आपकी क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो अगर ये चीजें आती तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपके रूट जो 5 है उसका आपके परफेक्ट आपके स्क्वायर नहीं होता, उसका आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप क्या कहेंगे कि √5 क्या है, आप क्या लिखेंगे कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देन 2 - √5 इट मीन्स आपकी क्या हुआ, अगर आपके √5 एक इरेशनल नंबर है देन आप क्या कहेंगे कि 2 - √5 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, इरेशनल। चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, आप क्या कहेंगे यहाँ ये आपके इरेशनल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक भी नंबर अगर आपके डिवाइड में आ जाए या फिर आपके सब्ट्रैक्ट में आ जाए, एडिशन में आ जाए, कहीं भी अगर आपके ऐसा कोई नंबर आ जाए कि वो आपके इरेशनल हो और वो किसी आपके रेशनल नंबर में से आपके सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, एड हो रहा हो, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हो या डिवाइड कर रहा हो, कुछ भी आपके ऐसा कर रहा हो, तो वो भी नंबर आपके क्या बनता है, इरेशनल बनता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 3 + √23, ये 3 है भैया ना, ब्रैकेट एंड -√23। सबसे पहले तो ये अपन है इसको सॉल्व करेंगे, 3 + √23 एंड -√23। अब आप मुझे बताना कि यहां भी आपके √23 दिख रहा है, यहां भी आपके √23 दिख रहा है, तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, इनको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखना ये आपके सब्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी उतनी ही तो इसकी होगी, जितनी वैल्यू आपकी उसकी आ रही, इसकी आ रही तो उसकी तो उतनी होगी, साइन से कोई इसमें डिफरेंस थोड़ी होगा, साइन से आपके कोई आपके डिफरेंट नहीं आएगा। देन आपकी इससे आपकी ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपके क्या आया, 3 आया, और आपके सिंपल 3 है वो आपके क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। देन आपसे इस क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछा है कि फाइंड आउट दैट इन द फॉलोइंग नंबर्स, इन द फॉलोइंग पार्ट्स विच इज द इरेशनल और
रेशनल, इनमें से आपके कौन सा इरेशनल है और कौन सा आपके रेशनल है, तो ये आपके क्या हो जाएगा रेशनल, तो आप क्या कहेंगे रेशनल नंबर, ये आपके क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके टू क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए, चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है, देखो रोज यार क्लास नहीं हो पाती क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस है, जब मैं मेरा खुद का भी पढ़ता हूँ तो मैंने एक टाइम फिक्स कर रखा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी रोज क्लास आपकी लूँ, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे इस बार भी आपकी 19 मई को आपकी हुई थी लास्ट जो क्लास हुई थी वो 19 मई को हुई थी और आज आपके 27 हो रही है, कहने का मतलब है 6-7 दिन का आपके हफ्ते भर का आपके गैप आ गया इसमें, ठीक है। तो ये तो आपके वन वीक आफ्टर वन वीक हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा यार क्या कहूँ मैं, टाइम इतना ही नहीं मिल पाता। अब आप कहोगे कि सर अभी टाइम नहीं मिलता तो आपको कब मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, लेकिन मेरे को खुद का भी पढ़ना होता है तो उसमें ना टाइम ही नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड देर का है, रूट टू रूट सेवन एंड अपॉन सेवन रूट टू, सॉरी यहाँ भी आपकी क्या है सेवन ही। अब आप मुझे बताओ कि ये आपके नंबर क्या होगा, यहां से मैं क्या लिखूंगा टू रूट सेवन और अपॉन में भी सेवन रूट सेवन, यहाँ भी रूट सेवन है यहाँ भी रूट सेवन है, ये दोनों कट जाएंगे का कट जाएंगे। अगर आपके यहाँ मान लो आपके प्लस होता यहाँ माइनस या प्लस कुछ भी होता ऐसा कुछ भी होता देन आपके ये नहीं कटता, लेकिन यहाँ तो ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में आपको सेम नंबर का एक चाहे कहीं भी दिखे तो अपन उसको क्या कर सकते हैं कट आउट, देन रूट सेवन बाई रूट सेवन एंड 2 अपॉन 7 इज लेफ्ट, ये आपके क्या हुआ आंसर आया। अब ये आपके रेशनल है या इरेशनल है, ये तो आपके रेशनल है, रेशनल क्या होता है जिसमें आपके p और q की आपके एग्जैक्ट वैल्यू हो, देन यहाँ से आपके p की वैल्यू 2 है और रूट की q की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 7, देन ये आपकी ये क्या होगा रेशनल नंबर, ये आपकी क्या होगा भाई रेशनल नंबर, ठीक है। और ऐसे ही आपके जो फोर्थ पार्ट है इसका वो देखना 1 अपॉन रूट 2, अब ये आपके अपॉन में रूट टू है, ये रूट टू कहीं से किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, लेकिन अपन इसको क्या करेंगे रेशनलाइज्ड करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे इसको रेशनलाइज्ड करेंगे, कैसे करेंगे 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो आप रूट टू, अपॉन में जो रूट होता है उसको अपन को हटाना होता है, रेशनलाइज्ड करने का मतलब आपकी क्या होता है कि अपॉन में आपके जो रूट में कुछ भी दिया हुआ है उसको अपन को रूट से हटाना होता है, और हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है उसका रेशनलाइज्ड करना पड़ता है। 1 अपॉन रूट 2 तो मैं इसको ऊपर और नीचे आपके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो रूट टू और मल्टीप्लाई रूट, अब इसे लिखना ये कट के वापस आपकी ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब यहां से नेक्स्ट 1 अपॉन रूट 2 है, अब आप मुझे बताना कि इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तब तो ये क्या हो जाएगा रूट टू आ जाएगा, और अपॉन में रूट टू से रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा आपके 2, तो क्या इसमें आपने नीचे से तो आपने क्या हटा दिया रूट हटा दिया, नीचे से तो आपने रूट हटा दिया अपन ने रिमूव कर दिया, लेकिन आपकी क्या ऊपर आपके रूट टू इसमें से पूरे में से ना परफेक्ट आपके रूट टू है या रूट में जो भी आपके नंबर था वो क्या रिमूव हो पाया, वो आपने आप रिमूव नहीं कर सकते यहाँ से नहीं कर सकते, तो ये आपके क्या होगा इरेशनल होगा, क्या होगा इरेशनल नंबर, ये क्या होगा आपके इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट थे तो 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, ये नंबर में डाल रहा ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, कुछ आपको क्वेश्चन से इक्वेशन फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको क्या करना है सॉल्व करना है और उनके आंसर क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपको क्या दे रखा है भाई 3 + √3 और यहां से आपके हो जाएगा 2 + √2 यही दे रखा है, इसको आपको सोल्व करना है 3 + √3 and 2 + √2 इसको आपको सोल्व करना है, कहने का मतलब है इसको आपको ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं 2 टर्म्स तो इनको आपको सोल्व करना है मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर है वो आपके क्या बनता है, तो यहां से अपन सोल्व करेंगे इसको देखना।
सभी को पता है, या तो आप किस इसको कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा इसको, अब देखना मैं 3 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, पहले आपके 2 से, पहले तो आपको मैं इसको मैं 2 से करूंगा और फिर इसी को मैं करूंगा इससे, फिर आपके रूट 3 को पहले इससे करना है और फिर आपके किससे करना है, इससे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो देखना, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से प्लस 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 था तो मैंने प्लस साइन लगाया, प्लस और प्लस प्लस और 3 को मल्टीप्लाई करो रूट 2 से, तो 3√2। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने नेक्स्ट आपके ब्रेकेट में जितने आपके टर्म्स है उनसे आप इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब आप इनको देखना, इसको तो मैंने सभी से कर दिया, अब आपके लेफ्ट क्या रहा, √3, √3 को आप इन दोनों से करना है, √3 प्लस और प्लस, आपके 2 के भी तो प्लस है ना, तो प्लस √3 को अगर मैं इससे करूंगा तो आपके क्या हो जाएगा √3 2, तो या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√3, देखना, नहीं तो आप स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपका जो स्टैंडर्ड है वो लेवल आपका बढ़ चुका है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको डायरेक्ट √3 2 लिखोगे आप इसको मल्टीप्लाई में, √3 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई किए बिना ही आप ऐसे लिख दो इसको √3 2√3, और यहां से आपके क्या हो जाएगा प्लस √3 मल्टीप्लाई 2, इसको आप एक बार ऐसे करके लिख दो। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन आएंगे और मैं अपन डायरेक्ट कर लेंगे, 3 2 6, यहां से आपके 3√2 हो गया ना, यहां से आपके कितना हो गया 3√2, तो 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √3 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या हो जाता है भाई, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो या फिर आप ऐसे कर दो रूट के अंदर 3 2 6, तो 3 2 रूट के अंदर आ जाएगा आपके कितना 6, तो ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया, समझ रहे हैं चीजें। अब यहाँ से आप कहेंगे कि सर इनको ओपन क्यों नहीं करा, इनके भाई ये तो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अपने ब्रैकेट के अंदर आपके रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके क्या हो रहा है √2 आ रहा है और यहाँ आपके क्या आ रहा है √3 आ रहा है, और √2 और √3 है तो आपके डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो आपके ना ही तो एड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होंगी कैसे, एडिशन का शायद, तो एड करेंगे अपन, तो यहाँ से अगर आपके यहाँ √3 है यहाँ भी √3 होता तो आपके 3 और 2 5 √3 आ जाता, यहाँ अगर √2 है यहाँ भी √2 होता तो अपने 3 और 2 5 √2 आ जाता, लेकिन यहाँ दोनों डिफरेंट है, रूट में जो नंबर है वो आपके दोनों डिफरेंट है, अगर दोनों डिफरेंट है तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ भी इसमें संभव नहीं है, ऐसा इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या दे रखा है, सेकेंड दे रखा आपको 3 प्लस √3 3 प्लस √3, और ये आपके क्या दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, इसको होमवर्क में करना है, यहाँ एक साइन आपके माइनस आ रहा है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसमें देखना अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई से करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, या ये ऐसे क्या ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू तो यहाँ भी बी की वैल्यू सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी होती है आपके थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपके ए प्लस बी और a माइनस बी, कहने का मतलब है एक बार आप a का स्क्वायर कर दो, एक बार आप b का स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कितना होगा √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना 9 माइनस √3 स्क्वायर कितना होता है √3 स्क्वायर आपके होता है 3, तो 9 माइनस 3 आपके कितना 6, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट या फिर 6 विल बी योर रिजल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा 6 आपका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार खुद करना आइडेंटिटी, इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से करना भाई, एक तो आप आइडेंटिटी से भी इसको सोल्व करना और एक आइडेंटिटी के बिना आपने जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो वैसे भी करना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम तो अच्छा है भाई, यहाँ पे आपके रुकना नहीं पड़ता है ना, आप जब तक नोट करो तब तक रुकना नहीं पड़ता, वीडियो को आप पॉज करके नोट से बना लिया करें, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, थर्ड आपको दे रखा है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, ये चीज दे रखी है। अब यहां से देखना, या तो मैं यहाँ आइडेंटिटी लगाऊं फर्स्ट है, ये होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, या तो मैं आइडेंटिटी फर्स्ट से करूं आपके यहाँ, और अगर आप आइडेंटिटी फर्स्ट से आप नहीं करना चाह रहे तब देन आप क्या करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लो √5 प्लस √2 1 टाइम, यहाँ आपके स्क्वायर इसका मतलब ये 2 टाइम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके √5 प्लस √2 ऐसे,
देन आप अब इसको कैसे करेंगे, रूट फाइव को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर रूट टू को रूट फाइव से करेंगे, फिर रूट टू को टू से करेंगे। तो या तो आप ऐसे कर लो, और इससे इजी आपके आइडेंटिटी वाला रहता है कि आप इसमें आइडेंटिटी लगा के आप इसको सोल्व करो। एट क्लास में आप आइडेंटिटीज पढ़ के आए, और आइडेंटिटीज की हेल्प से ही आपको इनको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है, ताकि आपका आंसर क्या है, फास्ट है, और आंसर आपका जो आपके क्वेश्चन है वो आपके इजी भी बने। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट इसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी से अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो आइडेंटिटी क्या लगानी है इसमें, तो इसको मैंने ऐसे तो लिख दिया, मैं इसको वापस लिखूंगा रूट फाइव प्लस रूट टू होल स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे अपन बाय आइडेंटिटी फर्स्ट, क्या होती है भाई आइडेंटिटी आपके, फर्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। ये फॉर्म तो मुझे दे रखी है, ये देखिए रूट फाइव प्लस रूट टू होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए की जगह आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपके ए की वैल्यू, आपको अगर ऐसे आपको अगर वैल्यू नहीं देखना आता तो आप यहां से देख लो, यहाँ आप एक बार साइड में लिख लो कि ए की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है रूट फाइव, एंड बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है रूट टू। ये जो चीजें हैं वो आपको दोनों दे रखी है, एक ही जगह आपकी कितनी है रूट फाइव है, देन आप क्या लिखेंगे रूट फाइव स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है रूट टू स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में ही अपने क्या स्क्वायर है प्लस टू, और एक की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी है रूट फाइव, तो मल्टीप्लाई में रूट फाइव, एंड मल्टीप्लाई में यहाँ बी की वैल्यू आपकी कितनी है रूट टू। ठीक है, चलिए इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना अपन को, रूट फाइव स्क्वायर कितना होता है फाइव स्क्वायर, देखना अच्छे से फाइव स्क्वायर आपके 25 होता है, एंड यहाँ आपके रूट फाइव स्क्वायर, इसका मतलब अगर रूट में कोई सा भी नंबर है उसका अगर आपके स्क्वायर हो रहा तो उसका स्क्वायर हट जाता है आपका, तो यहाँ फाइव प्लस यहाँ रूट टू स्क्वायर है तो आपके रूट हट जाएगा, तो आपके आएगा टू प्लस आपके इसमें मल्टीप्लाई आएगा टू, और मल्टीप्लाई में आपके ये दोनों ब्रेकेट के अंदर चले जाएंगे दोनों, तो फाइव टू जहा टेन। ठीक है, तो यहां से आपके 5 4 2 7 प्लस 2 रूट 10 ये आपका क्या हो गया, चीजें अच्छे से समझ में आ रही है सभी को, अगर चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो आप क्या करें वीडियो को लाइक करके रहे भाई। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखा है, ये आपके थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया, सेकेंड क्वेश्चन आपके होमवर्क में था, अब आपके इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट में रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू, तो ये भी चलो मैं करवा देता हूँ एक बार आपको, इसमें भी आपकी आइडेंटिटी लग रही तो अपन उसको भी क्या करेंगे आइडेंटिटी से ही सोल्व करेंगे। फोर्थ आपके क्या दे रखा है रूट फाइव माइनस रूट टू, और यहां से आपको दे रखा है रूट फाइव प्लस रूट टू, यही क्वेश्चन दे रखा है आपको। चलो इसको अपन सोल्व करते हैं, देखना रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस आपकी क्या हो जाएगा रूट टू, तो यहां से मैं क्या करूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी आपको दिख रहा है, क्यों लगाते हैं अपन ये आइडेंटिटी, क्योंकि आपके यहाँ ए ए की दोनों की वैल्यू सेम आती है और बी की भी वैल्यू आपके सेम आती है, तभी अपन ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करते हैं, ये अपने यहाँ अप्लाई क्यों हो रही है क्योंकि आपके यहाँ फॉर्मूला ही वैसे, ये क्वेश्चन भी अपने उसी टाइप का है। देन आप क्या लिखेंगे कि बाय आइडेंटिटी कौन सी आपके यहाँ थर्ड, और क्या होती है भाई आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और आपके ए माइनस बी, यही होती है। यहां से आपको ये फॉर्म लानी है, ये फॉर्म आपको दे रखी है, तो मैं यहां से लिखूंगा रूट फाइव माइनस रूट टू और यहां से आपके रूट फाइव प्लस रूट टू, यहां देखना ए प्लस बी पहले दे रखा है इसमें, तो इसमें कोई आपके प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आपके क्या है रूट फाइव इसका स्क्वायर, और माइनस माइनस की जगह माइनस, बी की जगह आपके वैल्यू कितनी है रूट टू है, तो आपके रूट टू होल स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट फाइव स्क्वायर कितना फाइव और माइनस टू स्क्वायर कितना टू, तो आपके रिजल्ट कितना थ्री, ये आपके हो जाएगा आंसर। चीजें आप अच्छे से समझ रहे हैं, चलो अगर आपकी वीडियो लाइक आ रहा है आपको, सॉरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है आप लाइक कर रहे हो वीडियो को, तो उसको आप वीडियो को क्या करें लाइक करके जाए भाई। ठीक है, चलो
अब आपका कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर आपकी क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखना थर्ड नंबर आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन तो भाई मैं पूरा आपके बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। तो जिस भी बच्चे को आपके अगर बुक चाहिए तो वो मैंने आपके स्टार्टिंग में मेरे नंबर बता दिए, तो उस पर आप मुझे क्या कर ले, कॉन्टेक्ट कर ले। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अटपटा सा है, ऐसे मतलब अजीब सा है। उसमें क्या दे रखा है? रिकॉल पाई इज डेफिनेट एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। अगर अपन सर्कमफेरेंस को अगर सी कहें और ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, और अगर आपके डायमीटर को अगर आपके डी कहा जाए दैट इज पाई इक्वल सी अपॉन डी, तो वहां आपके जो पाई की वैल्यू होती है वो आपके सी अपॉन डी होती है। क्या सर्कमफेरेंस में अगर आप डायमीटर को अगर आप डिवाइड करें, आपके लिखा होता है ना पाई की वैल्यू आपकी कितनी लिखे, 22/7। इसका मतलब भी आपके क्या होता है भाई कि वहां आपके जो सर्कमफेरेंस है जिस भी सर्किल में ये पाई दे रखा है इसमें आपके सर्कमफेरेंस है वो तो आपके 22 है, और उसकी जो डायमीटर है वो आपकी कितनी है, 7 है भाई, कितनी है 7। तो वहीं से आपके पाई की वैल्यू निकलती है, ठीक है। जैसे मान लो आपके कोई कोई मान लो कोई आपके टायर है, या कोई आपके जो गाड़ी का टायर होता है, आपके कार का टायर होता है, उसमें अगर आपके सर्कमफेरेंस आपके अगर 44 है तो कंफर्म उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। सोचने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ से आपके डायरेक्ट कंफर्म वो कैसे होता है आपके 14 होता है, उसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप करना भी चाहें तो आप कैसे करेंगे, देखना डायमीटर आपके जो आपके सर्कमफेरेंस होता है वो आपके क्या होता है, 2πr, कितना होता है 2πr। अगर आपको 44 दे रखा है, अगर आपको 2πr आपको कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, 2 × 22/7 × r। r में आपको वो निकालनी है ना, क्या निकालनी है आपको, डायमीटर, और डायमीटर आपकी क्या होती है, 2r भी होती है। तो आप 2r को ऐसे लिख लो कि 2r को आप क्या लिखेंगे, डी मल्टीप्लाई यहाँ 22/7 इक्वल में 44, तो आपके डी निकल के 14 आनी चाहिए भाई। देखते हैं, डी इक्वल 44, 7 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 22, ये 2 टाइम और 7 टू जा 14। बहुत ही अच्छी चीज बताई है भाई मैंने आपको ना, उसकी आपके डायमीटर कितनी हो जाएगी, 17। अगर आपसे कोई कहते हैं कि आपके जो सर्कमफेरेंस है कोई आपके टायर या कोई सर्कुलर, उसका आपके सर्कमफेरेंस आपकी कितने देर का है, 88 दे रखा है, इसका मतलब है तो उसका जो डायमीटर होगा आपके वो आपके कितना होगा, 28 हो जाएगा भाई, ठीक है। बिना सोचे समझे आपको आंसर निकालना है, जितना आपके ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है उतना ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो 64, 68 ऐसा कुछ भी आपके डिफरेंट आ जाए तब आपको यहाँ सॉल्व आउट करने की जरूरत होती है भाई, ठीक है। तो जो पाई है उसमें आपके बहुत सारे मिस्ट्रीज आपके उसमें है, ठीक है। पाई आप ऐसे मत समझना कि पाई आपके एक छोटा सा वर्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, देन पाई इक्वल सी अपॉन डी, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो आपको यहां से पता चलता है कि जो पाई है वो आपकी क्या है, इरेशनल है। पाई आपकी क्या है, इरेशनल है। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्रीडिक्शन, आपको इस कॉन्ट्रीडिक्शन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसका अपन आंसर क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर है वो आपको कुछ भी ज्यादा ध्यान में नहीं रखना भाई, आपको इसका आंसर सिर्फ इतना ही देना है कि अगर अपन इफ वी मेजर, इतना ही लिखना है और बाकी इसके बारे में जो थ्योरेटिकली मैं आपको आगे और कभी समझा दूंगा कि इफ वी मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विथ एनी डिवाइस, अगर अपन किसी भी जो सर्किल होता है उसके अगर सर्कमफेरेंस को अगर अपन क्या करते हैं, मापते हैं, किसी भी सर्कमफेरेंस को अगर अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो अपन क्या करेंगे भाई, उसकी अगर सर्कमफेरेंस को अगर अपन किसी भी मेजरमेंट से, किसी भी आपके डिवाइस से अगर मापते हैं या उसको मेजर करते हैं, तो वहां आपके क्या होगा, अपन उसकी जो मेजरमेंट है उसको अपन अप्रोक्सीमेटली अपन निकाल पाते हैं। तो वी गेट अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेट जो आपकी वैल्यू होती है उसी को अपन निकाल पाते हैं, कोई कन्फर्म नहीं निकाल पाते अपन कि सर्कमफेरेंस उसका इतना ही होगा, उसके अपन लगभग उसके जो जितना होता है कि लगभग उसकी जो आपके करेक्ट वैल्यू होती है उसके अपन लगभग ही पहुंच पाते हैं। देन आप क्या कहेंगे, दूस पाई इज ए इरेशनल इरेशनल फिर से मैं आपको बता देता हूं कि पाई जो खुद है वो आपकी इरेशनल है भाई, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, रेशनल होती है, वो आपकी क्या होती है, इरेशनल। दोनों आपके जो पाई है उस वो आपकी क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही आपको चीज लिखनी है और आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपके कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही, अब अपनी जो क्लास है वो अपन नेक्स्ट टाइम है, जो भी क्वेश्चन अपने लेफ्ट रहे हैं अपने, जो क्वेश्चन बाकी रहे हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, गुड जो भी है आपके, ठीक है, अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। ओके बाय।